हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज 31 अगस्त का हम करंट अफेयर पढ़ेंगे। तो पिछले महीने जितने भी इम्पोर्टेंट डेज आए हैं, मैं सबको एक बार आपको बता देता हूँ। जैसे आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा होगा, माउंटेन क्लाइंबिंग 1 तारीख को, लंग कैंसर डे 1 तारीख को, 1 अगस्त हिरोशिमा 6, नागासाकी 9, क्विट इंडिया मूवमेंट 8, और जो मेन इसमें याद रखना है, बायोफ्यूल डे याद रखना 10 अगस्त, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन 3 अगस्त को है, और यहाँ पर आपको वर्ल्ड मॉस्किटो डे याद भी रखना है 20 अगस्त को, सद्भावना दिवस भी याद रखना है 20 अगस्त को, और नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को आप सभी को पता होना चाहिए। तो ये सब आपको याद रखना है। स्पेस डे भी आपका ऐड हो चुका है इसके अंदर, 23 अगस्त का सभी को पता ही होगा अब से, नेशनल स्पेस डे। तो ये पिछले कुछ हैं जो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन पे आते हैं आज के। HSBC जो है इंडिया के साथ पार्टनरशिप कर रहा है इनोवेशन करने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर, तो किसने लॉन्च किया है ये? तो निर्मला सीतारमण ने ये बात को लॉन्च किया है। इसका एम जो है वो है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेके आना, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन मोर एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड स्केलेबल हो जाएगी फर्दर यूजेस के लिए। अगली बात करते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर शोभा करंदले जो हैं, उन्होंने इनोग्रेट किया है G21 हेल्थ वर्कशॉप कौन सी सिटी के अंदर। तो यहाँ से आपको पता चला कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर कौन है, शोभा करंजले है, और ये कहाँ पर वर्कशॉप की गई है। तो आंसर हो जाएगा इसका, बेंगलुरु के अंदर की गई। इंडिया G20 की चेयरमैनशिप लेकर इस बार भारत में जो G20 की थीम है वो है अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है। G20 की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारी मीटिंग हो रखी है, जो पहले भी मैंने करा रखी है रिविज़न के लिए यहाँ पर दे रखी है आपको। पिछली जो हुई थी वो आपकी कौन सी हुई थी, 4th G20 ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट मीटिंग हुई थी राजस्थान जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है जयंता महापात्रा, हाल ही में उनका निधन हो गया 95 की एज में। कौन थे? भगवान की आत्मा को शांति दे, ये एक पोइट थे। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। ये फर्स्ट इंडियन पोइट थे जिन्होंने साहित्य अकेडमिक अवार्ड जीता इंग्लिश पोइट्री में 1981 में। ये इनके बारे में खास बात है, इनको पद्मश्री से भी निभाजा गया था 2009 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसको एक्सपेंशन किया है स्टेट गवर्नमेंट फ्लैगशिप चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम का, ताकि 17 लाख स्टूडेंट्स को जो फर्स्ट से लेकर 5th तक पढ़ते हैं उनको ब्रेकफास्ट मुहैया करा सके। ऑप्शन नंबर 2 तमिलनाडु इसका राइट आंसर रहेगा। ऑब्जेक्टिव यही है, ब्रेकफास्ट कराना है, माल न्यूट्रिशन नहीं होने देना बच्चों में। तमिलनाडु कैपिटल चेन्नई, CM MK Stalin, RN Ravi यहाँ के गवर्नर हैं। राज्यसभा सीट 18, लोकसभा सीट 39, असेंबली सीट 234, ठीक है। ये आपको याद रखना, मीनाक्षी टेम्पल यहाँ पर है, रामाना स्वामी टेम्पल यहाँ पर है, और रंगा स्वामी टेम्पल भी यहीं पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें, कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने डिस्ट्रीब्यूट किया है लैंड राइट सर्टिफिकेट्स 65,000 पुअर फैमिलीज़ को, जो कि स्लम एरियाज़ में रहते हैं। तो उड़ीसा के CM ने ऐसा किया है, नायडू जी इनका नाम है। उड़ीसा जो है ओनली स्टेट है पूरी कंट्री के अंदर जो लैंड राइट्स देता है, ज़मीन अधिकार देता है स्लम में रहने वाले लोगों को। CM नवीन पटनायक जी हैं, उन्होंने 65,000 सर्टिफिकेट बांटे हैं। जितने भी लोग 5 मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के अंदर रहते हैं उड़ीसा के अंदर, कटक, बहरामपुर, संबलपुर, रोरकेला और भुवनेश्वर। उड़ीसा की बात करें, 1936 में बना था, कैपिटल भुवनेश्वर। नमेश पटनायक यहाँ के, नवीन पटनायक चीफ मिनिस्टर हैं। गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल हैं। 21 लोकसभा सीट, 10 राज्यसभा सीट, असेंबली सीट 147। चिल्का लेक यहीं पर है, हीराकुंड डैम भी यहीं पे है, दुनिया का सबसे लंबा डैम, ठीक है, महानदी। अगला है, सी कैंड मोदी, ए जर्नी ऑफ 9 ईयर्स इन न्यू दिल्ली, किसने ये किताब रिलीज़ की? तो JP नड्डा ने ये किताब रिलीज़ की है। इस किताब के लेखक हैं परभलीन सिंह। इस बुक का टाइटल है सिख गुरु की टीचिंग, जो हमें यूनिटी, पैट्रियटिज्म, डेडिकेशन टुवार्ड्स रिलीजन दिखाती हैं। अदर बुक्स की बात करें, हाल ही के दिनों में फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी की, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवदीप सिंह गिल की है, इंडियाज एंशियंट लेगेसी वेलनेस रेखा चौधरी की है, गजपति ए किंग विदाउट ए किंगडम अशोक बाली। कुछ बुक्स हैं जो पिछले कुछ दिनों में आई हैं, इसलिए रिवीजन के लिए एक साथ मैंने आपको डाल दिया। नेक्स्ट है, किसे अवार्ड दिया गया है ET लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड? तो ये मिला है परमजीत सिंह सूद। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट होगा। और पिछले कुछ अवार्ड्स की बात जाए तो जैसे ग्लोबल विजनरी किसको मिला था, दीपक शिनोय को मिला था, ग्लोबल लीडर जैनिस सैनी को मिला था। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ वन द डच ग्रैंड प्रिक्स? डच ग्रैंड प्रिक्स किसने जीती है? वो भी लगातार 3rd साल मैक्स वर्स्टैपन ने जीती है। रिसेंट की जो हाल ही में रेस हुई है F1 की ग्रैंड प्रिक्स की, हंगेरियन वाले में भी मैक्स वर्स्टैपन, ब्रिटिश वाले में भी यही, ऑस्ट्रियन वाले में भी, कैनेडियन वाले में भी। ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं, रेड बुल कंपनी की गाड़ी ये चलाते हैं, और हम जितनी भी आजकल मोस्टली होती हैं यही उनमें जीतते हैं। चलो आज के स्टैटिक क्वेश्चंस पे आते हैं, देखते हैं क्या है।
कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा धातु है जो लिक्विड रहता है रूम टेम्परेचर पर, तो ब्रोमीन, ब्रोमीन निकलता है जो लिक्विड रहता है। अगला है पेंसिल में किसका इस्तेमाल होता है, ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। वो कौन सी गैस है जो इलेक्ट्रिक बल्ब में भरी जाती है, तो नाइट्रोजन भरी जाती है। इन ऑप्शंस में से राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। वॉशिंग सोडा का कॉमन नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट है। अगला है कौन सी गैस नहीं यूज है इनमें से, ग्रीन हाउस गैस, मीथेन तो है, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन नहीं, हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है कुछ करंट और स्टैटिक के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय।